हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक और आप देख रहे हैं अपना चैनल दीपक टेक्निकल। तो दोस्तों, आज आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार से आप एमएस वर्ड में पेज कवर बना सकते हैं, यानी कवर पेज। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे देखिए सर्च बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको एमएस वर्ड आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, एमएस वर्ड ओपन करने का यहाँ से न्यू पे लेना है। देखिए खुल गया है। अब आपको जाना है इंसर्ट। देखिए यहाँ पे इंसर्ट है, क्लिक करेंगे। देखिए सबसे पहले हम दिख रहा है ऊपर में कवर पेज, यहाँ पे क्लिक करना है। आप बुक का कोई भी कवर जो है सो यहाँ पे बना सकते हैं कवर पेज अपने हिसाब से। तो इसमें से आपको कोई एक ले लेना है। ठीक है, तो मान चलिए हम इसमें इसको एक ले लेते हैं। चलिए ये ठीक है, मोड इस पर क्लिक करते हैं, मेड है मोड। फिर यहाँ पे आप कुछ नाम लिख सकते हैं, जैसे अगर मैथ का बुक कंपोजिंग करें या फिर कोई अन्य चीज़ का बुक, मतलब कवर पेज जो बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं एंड टेक्निकल। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है होम टैब पर एंड यहाँ से अब इसको बड़ा कर लीजिएगा। बड़ा करने के बाद यहाँ से आप बोल्ड कर दीजिए एंड यहाँ से आपको जो भी आपको चाहिए, ठीक है, यहाँ से चूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है। एंड उसके बाद यहाँ से आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे यहाँ से कम बेस कर सकते हैं इसको एंड इसको जहाँ मर्जेगा वहाँ पर इसको ट्रैक करके खींच भी सकते हैं। ये थोड़ा यूनिक कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से आके कोई कलर फिल कर देंगे इसमें। चलिए ये कलर ठीक है एंड इसको सिलेक्ट करते हैं एंड थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए अब ठीक है, थोड़ा छोटा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया ये, ठीक है। एंड इस पर क्लिक करेंगे दो बार, देखिए यहाँ सिलेक्ट होगा। देखिए लास्ट में खुलता है फॉर्मेट, फॉर्मेट पर क्लिक करना है। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से सेव फिर है, यहाँ से कोई डिज़ाइनिंग आप ले सकते हैं, डिज़ाइन वगैरह। ठीक है, एंड से यहाँ पे ब्लू एंड यहाँ से आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जैसे हम इसमें रखते हैं रेड, क्लिक किए एंड सेकंड पे आएंगे और सेकंड पे से येलो आप रख सकते हैं। यहाँ से हर दूसरा चेंज करूँगा, तब कोई भी इसमें चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। चलिए ये रखते हैं एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे इसे ग्रीन नहीं तो आप चेंज करके इसे ब्लू और यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए परफेक्ट बन गया है। उसके बाद ये यहाँ पर नीचे आएंगे, सेम वही करेंगे नीचे वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वही डालते हैं और पहले था रेड एंड सेकेंड में ये था एंड थर्ड में आपका था उसमें था ब्लू। चलिए हो गया एंड बीच में टिक को स्किप यूज करना, पहले इसमें डालेंगे ब्लू। ठीक है, ब्लू यहाँ फिल कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा गाढ़ा आएगा, यहाँ क्लिक ये रख लेते हैं एंड लास्ट में डाल देंगे रेड। ठीक है, देखिए बढ़िया बेटर। उसके बाद यहाँ पे आप कोई नाम, जैसे हम कोई इंस्टीट्यूट का नाम रखते हैं, जैसे DCI रोशेरा इसे लिख सकते हैं एंड जो भी यहाँ पे उसके बारे में डिटेल्स वगैरह लिखना होगा आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड कुछ भी टाइप करना होगा वो लिख सकते हैं एंड डेट डाल सकते हैं यहाँ पे जो भी डालना होगा। ठीक है, जब का डालना होगा वो डाल सकते हैं सब कुछ एंड उसके बाद देखिए इसको साइज कर साइड करना होगा तब साइड भी इसको देखिए कर सकते हैं कहीं भी पकड़ के और इसको भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जैसे एक पेज कवर पेज बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप छोटा करके भी देख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से बन गया है। तो बहुत सारे टाइप के होते हैं कवर पेज जो आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं कवर पेज की मदद से। ठीक है, तो देखिए कितना चल रहा है देखने में, इस प्रकार से बना सकते हैं। चलते हैं इसमें दो ऑप्शन और है, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लेना है, यहाँ से न्यू पेज ले लेना है। ठीक है, न्यू पेज लेने के बाद यहाँ पे ये फर्स्ट पेज सिंगल पेज बना हुआ है। तो इसमें क्या करना है कि आपको कुछ पहले टाइप कर लेना है। तो टाइप करने के बाद आपको
या ब्लैंक पेज होता है, एक नया पेज लाने काम होता है। इसलिए यहाँ पे कल भी कर सकते हैं, नीचे में यहाँ पे क्लिक करने बाद सकेंगे नया पेज, बस सिंपल होता है इस तरह काम। एंड उसके बाद पैराग्राफ लिखा हुआ है तो आप यहाँ से मतलब यहाँ से ये सेकंड पेज पर चला जाएगा।